दिल्ली एनसीआर में रविवार से पारा चढ़ने लगा है और इसी के साथ गर्मी का सितम भी बढ़ने लगा है। दिल्ली में मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने की वजह से कई दिनों के बाद रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं हवा में नमी का स्तर 40 से 55% रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और तेजी आएगी, साथ ही मंगलवार से पूरे हफ्ते लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार से दिल्ली में लू चलने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह नोएडा और गुरुग्राम में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी और हीट वेव चलेगी। सोमवार को दिल्ली में सूरज 5:34 पर निकला तो वहीं डूबने का समय 7:01 है। इसके अलावा मध्यम रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मौसम साफ बना रहेगा। मंगलवार से पूरे सप्ताह हीट वेव चलने का अनुमान है और हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं नोएडा में आज सोमवार को अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार से शुक्रवार तक मौसम साफ बना रहेगा। वहीं शनिवार को नोएडा में आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं और हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस सप्ताह मौसम ऐसा रही साफ बना रहेगा और हफ्ते के अंत तक गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI मध्यम श्रेणी में 171 दर्ज हुआ है और नोएडा में 174 जबकि गुरुग्राम में 192। इस हफ्ते दिल्ली NCR में AQI के मध्यम श्रेणी में ही रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीम।